चुका है, झटका ही। सभी भाइयों को राम राम, आशा करते हैं आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो स्वागत है हमारी को नए ब्लॉग में। तो अपनी बोनी स्टार्ट हो चुकी और कल हो गई थी थोड़ी सी, तो आज रह गई है, तो वो भी करना है, जा रहे हैं अभी। ये तो आए खेत से, तो ट्रांसफार्मर वाली खेत में हो रही है और बाड़ी वाली में भी हो रही, तो ये भी जा रहा है ट्रैक्टर। 275 इसमें भी GS10, उससे भी GS10। तो चलते खेत में और आप लोगों को दिखाते हैं कैसी क्या बोनी हो रही है, क्योंकि समय भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सिंचाई भी पड़ रही है। तो चलते हैं अब खेत पर। मैं चला रहा है, इधर थोड़ी गीला है, मटर की सिंचाई थोड़ा गीला निकल रहा है, गाड़ी का दोबारा चलाना है। देखिए दोस्तों, ये चल रहा है, थोड़ा सा चला है, तो अब नीरज चला रहा है, डीजल डालना है क्योंकि डीजल भी कम है बहुत ज़्यादा। तो खाना खाने जा रहे हैं, देखते हैं शाम तक अपन इसको पूरा ख़त्म कर देंगे, हो जाए ख़त्म। ठीक है, कल क्योंकि बोनी करनी है अपन को, कर देंगे लगभग 8-9 बज जाए का, 8-9 बजे तक हो जाएगा पूरा। 2 नंबर चला रहे, 3 नंबर पर भी चल जाएगा, लेकिन सोच रखते हैं लोड ज़्यादा ना मत दो। वैसे डीजल ही बहुत ज़्यादा खा रहा है, वो 6 लीटर खा रहा है लगभग, एवरेज मिलाया लगभग 3,000 30-32 लीटर डीजल में, 6 घंटे 6.5 घंटे 7 घंटे इससे ज़्यादा नहीं चल रहा, इतने दिन हो गया मतलब देखते हुए। अब चलते हैं घर, शाम भी हो चुकी है, तो खाना वगैरह खाएंगे फिर मिलते हैं आप लोगों से, और बने रहिए वीडियो में। दोस्तों हाथों का ही तो खेत थोड़ा चला लिया है, तो उसका फ्यूज नट टूट गया है, तब फ्यूज नट है नहीं अपने पास, तो घर से लेके आना पड़ेगा। ये डला हुआ टुकड़ा ही फ्यूज नट का, ये टूट चुका है, अब झटका भी वगैरह कुछ नहीं लगा उसके बाद टूट गया, तो अपन बुलवा लेते हैं। फोन तो लगा दिया, नीरज लेके आ रहा है, फिर चलाएंगे उसमें, इतना बस बचा अपना 3 एकड़ जगह है वहाँ तक, अपने चौंतरे कहाँ तक इधर से, बाकी उस साइड भी चल गया, इस साइड भी, और अपने ट्रांसफार्मर वाले में रात में चल गया था, देखते अभी बनेगा दोबारा, मतलब थोड़ा सूख गया होगा तो आज ही चला देंगे, नहीं तो कल सुबह चलाएंगे उसमें, और बोनी भी करनी है अपन को, बीज उपचार वगैरह हो रहा है, तो अब हो जाए बीज उपचार, और नट लगा के अपन इसमें चला के देखते, समय रहता तो फिर मतलब बारिश आएगा तो अपन चलाएँगे दोबारा, नहीं तो फिर 1-2 दिन की धूप लगाने के बाद, क्योंकि मोटर भी अपनी खाली हो चुकी है, और वो भी आज निकल चुकी है मोटर, कंडेंसर में चल नहीं रही, उसका पंप ख़राब हो गया, तो दूसरी डाल रहा है 3 की, तो चाचा जी बोला इसको मत डालो, कम नूडल चलाएगी, क्योंकि अपनी ज़्यादा सिंचाई है वहाँ पे भी, तो उसी को पंप मतलब ले गए हैं पापा ही बनवाने के लिए। तो बनी रही है वीडियो में, फिर मिलती है थोड़ी देर से आप दोस्तों। आ चुके हैं और बोनी भी कर रहे हैं, और सब भी निकाल दिया, गुंड भी वहाँ पर तार फंसते हैं, निकाल दिया और निकल हो चुकी थी वो इधर से वहाँ तक, और बाकी इतनी रह गई है, और दोनों साइड की पट्टी और लाइन वगैरह सब मतलब वहाँ से आ चुकी, यहाँ पाइप रख दिए, वो करेंगे दोस्तों, कर लेंगे मोनी, फिर बच्चे आप आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, ऐसी फार्मिंग की वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और अपनी बोनी भी हो चुकी है, तब तक के लिए राम राम। बैठे कार में मेरे जोन में जे यार।